गाइस कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज सुबह के 8 बज चुके हैं। अब चाय नाश्ता जो भी है वो करते हैं। थोड़ी बेटर है अब और आप देख सकते हैं जगह जगह तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अचानक से एडमिट होना पड़ा और कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से, बट अब डिस्चार्ज मिल गया है और रेडी मैं घर पे हूँ। आप देख सकते हैं एक दिन ओनली, सिर्फ एक दिन के लिए एडमिट होना पड़ा और अब मैं ठीक हूँ। और ब्लॉग अब मैंने स्टार्ट किया है, वो इसलिए स्टार्ट किया है कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे थे, गेस्ट लोग, तो इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया है। और अब मुझे नहाना है, उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं आगे। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज शाम के 6:30 हो चुके हैं और अभी राकेश भैया आए हुए हैं, जो कल आए हुए थे, मौसी राकेश भैया, राकेश भैया की वाइफ। तो उनकी फैमिली आई हुई थी कल, तो कल मेरा शूट करना बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा अचानक से बिगड़ गई थी। ना मेरा शूट करना हुआ, ना मेरा उनसे अच्छे से बात बात करना हुआ। फिर वो सब लोग चले गए कल नाइट में ही मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आफ्टरनून में थोड़ा कम था। इवनिंग से लेके नाइट तक मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे एडमिट करवाना पड़ा। फिर आज डिस्चार्ज मिल चुका है मुझे, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और राकेश भाई अभी आए हुए हैं मुझसे मिलने के लिए, कल भी वो मेरे साथ ही थे हॉस्पिटल में, भैया के साथ मेरे साथ। तो आप सब लोगों को यही जानकारी देनी थी कि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से ही। कल मैंने फूडी लवर का शूट किया था बाहर का, बट मेरी तबीयत उस समय भी थोड़ी सी, मतलब ये था कि हाँ थोड़ा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है मुझे, बट यही होता है अपना काम के, हमें अगर कुछ काम करना है तो छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको इग्नोर करना होता है। बट ऐसा मैंने सोचा और मैंने इग्नोर भी किया। वहाँ का शूट जैसे मैंने कंप्लीट किया, वहाँ का शूट करने के बाद मुझे आफ्टरनून में अचानक मेरी तबीयत रास्ते में बिगड़ी। फिर घर आते आते थोड़ी सी और ज़्यादा बिगड़ी। उसके बाद क्लिनिक गए, जो मेरे जान पहचान के क्लिनिक है, डॉक्टर हैं, उनके पास गए हम। तो उन्होंने मुझे बेड रेस्ट ही बताया, उन्होंने मुझे दवाइयाँ बताई, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह जो भी है वो दे दिया था। वो सारी चीज़ें लेने के बाद ओनली सिर्फ मेरे को 3-4 घंटे तक अच्छा फील लगा। इवनिंग हो गई तो उसके बाद मैंने नहा लिया था। फिर उसके बाद 4-5 बजे के बाद इवनिंग में, दोपहर मेरे अच्छे से निकल गई थी, शाम के 5 बजे के बाद ही मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। फिर 6-7 बजे तक तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि एडमिट करवा दो। फिर एडमिट करवाया, फिर सब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए थे, घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में। बट मैंने यही बोला सबको कि मैं ठीक हूँ, टेंशन ना करें, मम्मी को, भैया को, सब लोगों को ये बोला। और कल गेस्ट लोग आए हुए थे, मौसी की बहू, सब लोग आए हुए थे, मेरी दीदी भी थी यहीं पे, तो उन सबको जाना पड़ा क्योंकि उनको जाना था कल संडे के लिए, तो आए थे एंजॉय करने के लिए, तो वो चले गए। तो बस यही है ब्लॉग, बस आप सब लोगों को यही सारी चीज़ें बतानी थी कि क्या चल रहा है, क्या है। 2 दिनों से मैंने इसलिए काम नहीं किया ऑफिशियल सरीन अखबार के ब्लॉग पे। तो गाइस यही होता है कि जब कभी ब्लॉग ना आए तो आप सब लोग यही समझ लीजिएगा कि तबीयत या तो ठीक नहीं है, बस यही हो सकता है। और भी जो भी चीज़ होती है हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि ब्लॉगिंग करने के लिए, और करते ही हैं, और फिर भी मैंने किया ही है। और आज मैंने सोचा कि आप सब लोगों को थोड़ा सा शूट करके भी बता दूं कि मैं अभी कहाँ पे हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, मेरे पेन 2-3 दिन से हो रहा था, बट मैंने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। बट कल ध्यान देना हुआ जब मेरे ज़्यादा हो गया, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट एक बार फिर से मेरे को डॉक्टर के जाना पड़ेगा, बट कोई ना, देख लेंगे।
दवा मैं कंटिन्यू लेनी है, बेड रेस्ट बताया डॉक्टर ने, इसलिए मैंने सोचा कि ऑफिशियल सनी नेपाल के ब्लॉग तो फैमिली ब्लॉग है तो वो घर का ही दिखाना होता है उसमें तो, बट इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट किया आप सब लोगों को बताने के लिए कि मैं अब ठीक हूँ और ब्लॉग आ जाएंगे। बस फूडी लवर पे थोड़ा सा लेट काम करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा रिक्स है उसमें, क्योंकि अभी अलाउड नहीं है कुछ भी खाने पीने का और बाहर जाने का भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अभी मुझे, तो इसलिए अभी फ़िलहाल 2-4 दिन तक हम उस पर काम नहीं कर सकते फूडी लवर पे, और इसलिए अभी थोड़ा बहुत जो भी है वो बना दिया करेंगे। आप सब लोग देख लीजिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियोज़ को और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है, बाय। वो है